एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्राइड राइस। इसको हम चाइनीज राइस भी कहते हैं और इसको आप उर्दू में चीनी चावल भी कह सकते हैं, चाइनीज राइस। लेट्स टेक अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अनियन। आपने प्याज लेना है, इसको छोटे छोटे स्लाइसेस बना देने हैं इसके। सेकेंड जो चीज़ है वो हमारे पास है बॉयल्ड चिकन। एक कप आपने चिकन लेना है और उसको बॉयल कर लेना है अच्छे से। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास बॉयल्ड पोटैटोज है। एक आलू ले लेना है और उसको काट के उसके स्लाइसेस बना लेना है और उसको बॉयल कर लेना है। फोर्थ वन इज पीस मटर। मटर भी हमने बॉयल कर लिया ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं तो एकदम से उसमें आ जाता है तो इससे अच्छा नहीं लगता। और जो हमारे पास शिमला मिर्च है वो भी हमारे पास यहाँ पे स्पाइसी की फॉर्म में, हमने से एक शिमला मिर्च पूरी लेकर उसकी स्पाइसी कर दी। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट। 1 teaspoon सॉल्ट आपने लेनी है। अगला जो है 1 teaspoon ऑफ वाइट पेपर एंड 2 teaspoons ऑफ ब्लैक पेपर, क्योंकि थोड़े ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आपको 2 teaspoon ब्लैक पेपर यूज करनी है। नेक्स्ट वन इज 1 teaspoon ऑफ चिली सॉस, 1 teaspoon ऑफ सोया सॉस एंड 1 teaspoon ऑफ विनीगर। इसमें हम ये तीनों चीज़ें यूज करेंगे और ऐड करके हम अपने चाइनीज फ्राइड राइस बनाएंगे। फ्राइड राइस वी ऑल्सो यूज एन एग। एक अंडा हम इसमें यूज करेंगे एज यू कैन सी, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसमें एक ही यूज करूँगी। लास्ट में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास है राइस। राइस का हमें ये करना है कि 2 cup ऑफ राइस लेके उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसे एक बास्केट में डाल देना है ताकि जो पानी है वो नीचे से निकल जाए और जो राइस है वो सिर्फ हमारे पास रह जाए। तो हमारे पास यहाँ पर 2 cup ऑफ बॉइल्ड राइस है। डालेंगे जो हमने एक अनियन चॉप किया था वो हम उसमें डाल देंगे। अनियन तब तक फ्राई होते रहेंगे जब तक थोड़ा सा इनका ऑफ वाइट कलर ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ऑफ वाइट कलर इसका रहना चाहिए। नाउ वी विल ऐड शिमला मिर्च। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और नेक्स्ट चीज हमने इसमें डाली है बॉइल्ड चिकन। जो हमने चिकन बॉइल किया था वो इसमें डाल देंगे। मटर डालेंगे और हमने बॉइल्ड टोमेटो डाल देंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा हम चलाएंगे। नाउ वी विल ऐड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट। अब हम इसमें 2 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर डालेंगे, जिसको उर्दू में काली मिर्च भी बोलते हैं, एंड 1/2 teaspoon ऑफ व्हाइट पेपर। Now we will add 1/2 teaspoon of white pepper. Now we will add 2 teaspoons of chili sauce, 1 teaspoon of soya sauce. तवे पर एक अलग से अंडा fry करेंगे। मसाला जितना भी था वो मैंने सारा इसमें से निकाल के अलग कर लिया और सबसे पहले अब मैं इसे बॉइल्ड राइस डालूंगी। डाल के अब मैं इसके ऊपर मसाला डालूंगी और फिर राइस डालूंगी, इसकी लेयर्स बनाएंगे वन बाय वन। ये हम इसके ऊपर राइस की लेयर करेंगे। अगेन हम इसके ऊपर राइस डालेंगे। देन सेकंड लेयर ऑफ मसाला। अब हम इसे सारा ही मसाला डाल देंगे और फिर दोबारा राइस ऊपर। सो
सो गाइस फाइनली हमारे फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन जो रेडी है एज यू कैन सी राइस की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको चिकन मंचूरियन भी सीखना है तो मैं उसकी रेसिपी भी अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और सो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि आपको हर जो न्यू वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।